हेलो स्टूडेंट, आज हम सब लोग नया संघ पढ़ेंगे। संघ का नाम है एनेलिडा। तो पहले समझ लेते हैं कि संघ एनेलिडा का मतलब क्या होता है। तो बोर्ड पे आप देखिए, ये जो एनेलिडा है ये लैटिन भाषा का शब्द है जिसमें एनेलस मींस होता है लिटिल रिंग। क्या होता है? लिटिल रिंग मतलब छोटे छोटे छल्ले। इनका जो बॉडी होता है छोटे छोटे छल्लों में बटा होता है। इस खंड को हम सब लोग क्या कहते हैं? मेटामेरी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटामेरी मतलब जो एनिलिडा होते हैं या एनिलेडियंस होते हैं उनका बॉडी जो होता है छोटे छोटे छल्ले रिंग में बटे होते हैं या खंडों में बटे होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? मेटा मर्स कहते हैं। तो मेटामर्स के कारण ही इस जंतु का या इन जंतु को जो है हम सब लोग संघ एनेलिडा में रखते हैं। इसीलिए संघ का जो मतलब होता है एनेलस मींस लिटिल रिंग। जैसे आपने केचुआ देखा होगा तो केचुआ का जो बॉडी होता है मींस शरीर होता है वो छोटे छोटे छल्लों में बटा होता है। तो ऐसे सेगमेंट्स को हम सब लोग क्या कहते हैं? मेटामर्स कहते हैं। मेटामर्स के कारण ही इस संघ का नाम क्या पड़ा? एनेलिडा पड़ा। अब हम सब लोग इसके जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमारा जो हेडिंग है इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, इसके प्रमुख लक्षण। ये जो एनिमल्स होती हैं, जो मतलब एनिलिडा संघ में पाए जाने वाले जो एनिमल्स होती हैं, इन एनिमल्स को हम सब लोग क्या कहते हैं? एनिलिडियंस कहते हैं। क्या नाम देंगे? एनिलिडियंस कहते हैं। ये जंतु जो होते हैं कहाँ पे पाए जाते हैं? तो कुछ जंतु जो होती हैं जलीय होती हैं, ये एक्वाटिक होती हैं। एक्वाटिक होंगे, किस जल में पाए जाएंगे? फ्रेश वाटर में पाए जाती हैं। फ्रेश वाटर में मीन स्वच्छ जल में पाए जाएंगे और मैराइन वाटर में पाए जाते हैं। मैराइन वाटर में मतलब जो इस संघ में पाए जाने वाले जो एनिलिडियंस होते हैं वो स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं और समुद्र जल में भी पाए जाते हैं। और बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं स्थलीय होते हैं, मीन्स टेरेस्ट्रियल होंगे। टेरेस्ट्रियल का मतलब स्थल पे पाए जाने वाले जंतु को हम सब लोग क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल कहते हैं। टेरेस्ट्रियल मीन्स स्थलीय, स्थल पे पाए जाने वाले जंतु को हम सब लोग क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल कहते हैं। ठीक है, तो इस संघ में जो पाए जाने वाले जंतु जलीय भी होते हैं और स्थलीय होते हैं। अगर जल में पाए जाते हैं तो किस जल में पाए जाएंगे? स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं और समुद्र जल में भी पाए जाते हैं। ये दूसरा जो लक्षण है, ये जो एनिमल्स होते हैं ये फ्री लिविंग होती हैं। फ्री लिविंग्स होंगे। फ्री लिविंग्स कहने का मतलब ये पूर्ण रूप से जो है स्वतंत्र जीवी होते हैं, कहीं पर भी पाए जाएंगे और किसी से भी भोजन प्राप्त करते हैं। मतलब ये स्वतंत्र जीवी होते हैं मींस फ्री लिविंग्स होते हैं। लेकिन कुछ क्या होते हैं? कुछ क्या होंगे? परजीवी होते हैं, पैरासाइट होते हैं मींस परजीवी होते हैं। परजीवी मीन्स ये
ये दूसरे जीवों पर आश्रित होती हैं, दूसरे जीवों पर रहते हैं, उनसे भोजन प्राप्त करते हैं, तब उसको हम क्या कहते हैं, पैरासाइट कहते हैं या परजीवी कहते हैं। तो कुछ जंतु फ्री लिविंग होंगे, स्वतंत्र जीवी होते हैं, कुछ क्या होते हैं, परजीवी होते हैं। यहां पर ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। यहां पे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट ये है क्रेटस, चौथा है कि जो जंत होते हैं इनमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, और ये जंत जो होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं एंड सीरो मेट्स होती हैं। ये हमने आपको सब बता चुका हूं, बाइलेटरल का मतलब भी इसके पहले लेक्चर में बताया है, और ट्रिप्लोब्लास्टी मतलब भी हमने बताया है, और सीरो मेट्स का मतलब यहां पर ट्रू सीरोम प्रेजेंट होता है, ट्रू सीरोम प्रेजेंट होता है जिसमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है। तो ऐसे जंतुओं को हम सब लोग क्या कहते हैं, सीलोमेट्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इनका जो बॉडी होता है, बॉडी होगा सेगमेंट में बटा होता है, सेगमेंट्स में बटा होता है। इस सेगमेंट को हम क्या कहते हैं, जो सेगमेंट होता है छोटे छोटे छल्लों में भी हमने कहा कि ये बटे होते हैं, जिसे हम सब लोग नाम देते हैं मेटामेरिकली सेगमेंट कहते हैं, मेटामेरिकली सेगमेंट कहते हैं। इनका बॉडी जो है छोटे छोटे खंडों में जो है बटा होता है, जिसे हम सब लोग क्या कहते हैं, मेटामेरिकली सेगमेंट कहते हैं, और इसी घटना को हम सब लोग क्या कहते हैं, मेटामर्स कहते हैं। और मेटामर्स का प्रेजेंट होना या मेटामर्स का होना इस संघ का नाम पड़ गया, फाइलम का नाम पड़ गया एनेलिडा। मेटामर्स की वजह से जो है इस संघ का नाम रख दिया गया फाइलम एनेलिडा, ठीक। तो ये हमारा फाइव कैरेक्टर्स हो गया, इसको मैं अरेंज करूंगा अभी। तो पहला आपको लक्षण लिखना है, ये जलीय होते हैं और स्थलीय होते हैं, ये स्वतंत्र जीवी होते हैं, कुछ परजीवी होते हैं, इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, ये इनमें बायलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, और ये सीलोमेट्स होती है। इनका शरीर जो है सेगमेंट्स में बटा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मेटामेरिकली सेगमेंट कहते हैं। इस घटना को हम सब लोग क्या कहते हैं, मेटामर्स कहते हैं। मेटामर्स के कारण ही इसका इस संघ का नाम एनेलिडा रखा गया। अब देखते हैं नया करेक्टर्स, सिक्स पॉइंट देखते हैं। अब इनमें जो जंत होते हैं ये
ये लोको मोशन भी करते हैं, मींस गमन भी करते हैं। तो इनमें क्या होता है, मतलब लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल्स पाए जाते हैं जो जर्क होते हैं। मान लीजिए इनके छल्ले होंगे और छल्ले पर जो है क्या पाए जा रहे हैं, लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल्स पाया जाता है जो लोकोमोशन में हेल्प करता है, हेल्प इन लोकोमोशन, जो गमन में सहायता करता है। कहने का मतलब इनका जो बॉडी होता है उस पे लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल्स पाए जाते हैं जो लोकोमोशन में सहायता करते हैं। कुछ जो जलीय होते हैं, जो जलीय जंत होते हैं, जलीय जंत होते हैं, कुछ एक्वाटिक की बात करते हैं, कुछ एक्वाटिक एनिमल्स होती हैं, उनमें क्या होता है, मतलब जो जल में पाए जाते हैं उन एनिमल्स क्या होता है, लेटरल अपेंडिक्स पाया जाता है, लेटरल अपेंडिक्स, अपेंडिक्स का मतलब उपांग, पास ये उपांग पाए जाते हैं, मीन्स साइड में जो है ऐसे, जैसे नेरिस आप देखेंगे तो नेरिस जो एनिमल्स होते हैं उनके साइड में जो है, साइड में ऐसे लेटरल या पार्सी उपांग पाए जाते हैं, इसको ही हम सब लोग क्या कहते हैं, लेटरल अपेंडिक्स कहते हैं। और इसका नाम होता है पैरापोडिया, पैरापोडिया कहते हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं, कुछ जल में पाए जाने वाले एनिमल्स होंगे जिनमें पार्श्वीय उपांग पाया जाता है, मींस लेटरल अपेंडिक्स पाया जाता है। आप देख रहे हो साइड में पॉस मींस किनारे छोटे छोटे अपेंडिक्स उपांग पाए जाते हैं, उसका क्या नाम है, पैरापोडिया कहते हैं, पैरापोडिया कहते हैं। और ये जो पैरापोडिया होता है तैरने में हेल्प करता है, पैरापोडिया होगा वो स्विमिंग में हेल्प करता है, हेल्प इन स्विमिंग, स्विमिंग में हेल्प करता है। ठीक, इसमें हेल्प करेगा, हेल्प इन स्विमिंग, स्विमिंग मतलब मींस तैरने में सहायता करता है, जैसे नेरिस, जैसे नेरिस एनिमल। फिर से यहां पे नहीं दिख रहा होगा आपको, पैरापोडिया पाया जाती है। इस पैरापोडिया का जो काम होता है, हेल्प इन स्विमिंग, तैरने में सहायता करता है, जैसे नेरिस, नेरिस एनिमल। तो जो एक्वाटिक होंगे, जो जलीय जंतु होते हैं उनमें पैरापोडिया पाया जाता है और पैरापोडिया के द्वारा ये जल में तैरती हैं। फिर देखिए नेक्स्ट है, इनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, इनमें क्लोज सर्कुलरी सिस्टम पाया जाता है, क्लोज सर्कुलेटरी
सिस्टम पाया जाता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहने का मतलब ये कि जो ब्लड होता है, रुधिर होता है, हृदय के द्वारा पंप किया जाता है, फिर रुधिर वाहिनियों के द्वारा, विभिन्न पाइप के द्वारा जो है बॉडी या सेल्स में पहुंचता है। तब ऐसे परिसंचरण तंत्र को हम सब लोग क्या नाम दे देते हैं, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें जो एक कैविटी होती है, गुहा होता है बीच में, और उस गुहा में जो है हृदय के द्वारा ब्लड पंप किया जाता है और अंग जो है सीधे उसी में डूबे रहते हैं, उस अंग जो होंगे सीधे ब्लड को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम को हम सब लोग क्या कहते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहेंगे। यहां पर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वह क्लोज टाइप का पाया जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर देखिए 9। यहां पर सर्कुलेशन के लिए, सॉरी एक्सक्रेशन के लिए, उत्सर्जन के लिए निफ्रेडिया पाया जाता है। निफ्रेडिया क्या पाई जाती है, बॉडी में जो बेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं या जो हानिकारक सब्सटेंस बनते हैं उनको शरीर से बाहर निकालने के लिए क्या पाया जाता है, निफ्रेडिया पाया जाता है, जिसे उत्सर्जी अंग कहते हैं। और निफ्रेडिया का एक और काम होता है ऑस्मोरेगुलेशन, ठीक है। क्या करता है, निफ्रेडिया एक्सक्रेशन का भी काम करता है और ऑस्मो रेगुलेशन का भी काम करता है। परासरण नियंत्रण इसका हिंदी है, परासरण नियंत्रण मतलब बॉडी के अंदर जो लिक्विड होंगे, तरलीय पदार्थ होते हैं, उनमें समन्वयन बनाए रखता है, मतलब उनके तरल पदार्थ का जो कंसंट्रेट होता है उसको समान दशा में बनाए रखता है। तब उसको हम क्या नाम देते हैं, परासरण नियंत्रण कहेंगे या ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। जो निफ्रेडिया होती है दो फंक्शन करती है, एक वेस्ट या अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने में काम करती है और शरीर के जो है तरल पदार्थ को परासरण नियंत्रण में भी हेल्प करती है। फिर यहाँ पे जो है नर्वस या न्यूरल सिस्टम होता है, नेक्स्ट इसको एरेंज कर रहे हैं। यहां पर संवेदना के लिए जो है न्यूरल सिस्टम पाया जाता है, न्यूरल सिस्टम तंत्रिका तंत्र पाया जाता है और इस न्यूरल सिस्टम को नाम दिया जाता है गैंगलिया कहते हैं। एक जोड़ी जो है गैंगलिया पाया जाती है। न्यूरल सिस्टम का मतलब होता है जो नर्व सेल्स होती हैं, जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, ये संवेदनाओं का आदान प्रदान करती हैं बॉडी में। तो यहाँ पर जो तंत्रिका तंत्र होगा वो किस रूप में होगा, पियर गैंगलिया के रूप में प्रेजेंट होता है। इसके द्वारा जो है जो बहुत सारे लेटरल नर्व्स के द्वारा डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड से जुड़े होते हैं, बहुत सारे साइड में जो नर्वस सिस्टम होता है वहां से बहुत सारे नर्व्स निकलते होते हैं, नर्व्स निकले होते हैं जो क्या होते हैं, लेटरल नर्व्स के द्वारा डबल वेंट्रल नर्व से जुड़े होते हैं। ये जो जंत्र होते हैं, ये जंत्र जो होंगे वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, यूनिसेक्सुअल होती और बाइसेक्सुअल भी होती। ये यूनिसेक्सुअल भी होते हैं मीन्स एक लिंगी भी होती हैं और द्विलिंगी भी होती, एक लिंगी होती और द्विलिंगी। बाइसेक्सुअल जैसे एफ
वन, लीक हो गया, जोंक हो गया, ये सब क्या है? द्विलिंगी है। एक लिंगी में आपका नेरिस हो जाएगा। नेरिस जो एनिमल्स होता है वह एक लिंगी होता है, ठीक। अब इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल आप सब लोग याद कर लीजिएगा। जैसे एथवान मीन्स केचुआ, केचुआ हो गया, जोंक, जोंक और नीस, ये आप सब लोग एग्जाम्पल याद कर लेंगे। दो यहां पर फिगर बना हुआ है नेरिस एंड जोंक का, जो आपको इस फिगर को ड्रा कर लेना है, ठीक है, ओके। कल हम सब लोग इसके बाद में पढ़ेंगे आर्थ्रोपोडा। यहां पे आपको जो है क्लास पढ़ने के बाद, कंप्लीट करने के बाद जो है एक होमवर्क है, पैरापोडिया किसे कहते हैं। क्वेश्चन है पैरापोडिया किसे कहते हैं, इसका काम क्या होता है, किस जंतु में पाया जाता है। ये आप सब लोग क्या करेंगे, जो हमारा YouTube चैनल है, YouTube पे जाकर जो है उसके कमेंट बॉक्स में आप सब लोग कमेंट करेंगे। ओके, धन्यवाद।